दोस्तों, इस वीडियो में हम एंजाइटी यानी घबराहट, नर्वसनेस यानी चिंता, इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे। बिल्कुल, बहुत इफेक्टिव है होम्योपैथी एंजाइटी डिसऑर्डर में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया एंड वेलकम टू निरामया हेल्थ सेंटर। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। पहले हम ये जानेंगे कि ये क्या होता है और इसके लक्षण यानी नर्वस एंजाइटी के लक्षण क्या क्या हैं, और फिर हम बताएंगे कि इसके मेडिसिन क्या क्या हैं। बिल्कुल दोस्तों, एंजाइटी क्या होता है यानी घबराहट क्या होती है? घबराहट एक मेंटल डिसऑर्डर है। एंजाइटी जो एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें बेसिकली एक फीलिंग ऑफ वरी होती है यानी एक चिंता रहती है, और वो चिंता या और एक डर भी रहता है साथ में। ये चिंता, ये डर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपका डेली लाइफ जो है, डेली रूटीन जो है, उसको अफेक्ट करता है। बिल्कुल, बिकॉज छोटी छोटी बातों में भी बहुत लोगों को चिंता घबराहट हो सकती है। वो थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है, उसमें उनको कोई डेली लाइफ उनकी अफेक्ट नहीं होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपकी डेली लाइफ इसकी वजह से अफेक्ट होने लगे और ये चीज़ बहुत बार बार होने लगे, जिसको बहुत लोग पैनिक अटैक भी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए, अगर आपको कहीं सफ़र में जाना है और आप सफ़र में जाने से पहले आपको पैनिक अटैक आने लग जाए और आप सफ़र ही ना कर पाए, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर कहलाएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और जितनी बार आप एग्जाम देने जाते हो उससे पहले आपको घबराहट होने लगती है बहुत ज़्यादा, आपके पसीने छूटने लगते हैं और आपका पैनिक अटैक आता है, ये आपको डेली लाइफ को अफेक्ट करेगा। अरे, अफेक्ट करेगा आपके परफॉर्मेंस को, अफेक्ट करेगा ना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो देखिए सबको रहती है जो नॉर्मल है, बट जब आपके परफॉर्मेंस को वो चीज़ अफेक्ट करने लग जाए तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसके कुछ लक्षण भी होते हैं, हम लक्षणों पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। इसके जो लक्षण है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सुनिए। सबसे पहले फीलिंग नर्वस, रेस्टलेस और टेंस। आप नर्वस फील करते हैं और रेस्टलेस एक बेचैनी सी रहती है, सांसें आपकी तेज चलने लगता है, दिल आपका जोर से धड़कने लगता है, आपको यहाँ महसूस होता है कि तक 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 कर रहा है, एक डर डर सा माहौल आपके अंदर से, आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल, आपको पसीना आता है और आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि डर अंदर से बहुत ज्यादा लग रहा है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा चिंता वरी होने लगती है। बिल्कुल, बिकॉज पैनिक में आपको घबराहट हो रही है, आप चिंता करने लगते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। बिल्कुल, और आप उसको बंद नहीं कर पाते हैं, आप जो चिंता है ना उसको स्टॉप नहीं कर पा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि आपका शरीर जो है वो कांपने भी लगता है, नींद में फिर आपको इश्यूज आने लगते हैं, आपको नींद अच्छे से नहीं आती है। ये जो है ये कुछ लक्षण होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के या नर्वसनेस के, हम बोल सकते हैं। अब हम इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन में आते हैं दोस्तों, और बहुत इफेक्टिव है होम्योपैथी एंजाइटी डिसऑर्डर में। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर या होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर्स में हम आते हैं। सबसे पहली और अच्छी मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट को दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझिए, बिकॉज ये जो मेडिसिन है ये एक्यूट पैनिक अटैक्स के लिए या एक्यूट एंजाइटी के लिए है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, आप मार्केट से या कहीं जा रहे हैं, हो सकता है पैदल जा रहे हो, सकता है टू व्हीलर से बाइक से जा रहे हो, अचानक आपका एक्सीडेंट होते होते बच गया। बिल्कुल, या आपका बहुत छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ, आप शायद बाइक लेके थोड़ा स्लिप हो गए बट आपको चोट बहुत ज़्यादा नहीं लगी या हल्की बहुत चोट लगी है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में महसूस कीजिए, या आप कहीं चल रहे हैं, बारिश में कहीं चल रहे हैं, आपका पैर फिसल गया, आप गिरते गिरते बचे गए, तो ये एक्चुअली एक शॉक की अवस्था है। बिल्कुल, आपको एक शॉक लगा है। उस टाइम पे क्या क्या जो भी चीज़ें आपके साथ होती है, आपका आपकी धड़कन अचानक बढ़ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, आपके दिमाग में अजीब अजीब चीज़ें, कि कई बार आपका दिमाग शट ऑफ हो जाता है कि क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अंदर से आपका हार्ट जो है वो जो तेजी से धड़क रहा है, डर आपको, कई बार आपकी बॉडी भी ट्रेम्बलिंग होने लगती है, कांपने लगती है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे एक्यूट शॉक लगा हो, अचानक बहुत कुछ हुआ हो, बिल्कुल, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो आपको अचानक हुई हो, सडननेस ऑफ सिम्टम्स, बिल्कुल उस क्षेत्र में, उस सिचुएशन में एकोनाइट काम आती है। बिल्कुल दोस्तों, और एकोनाइट का जो चरित्र होता है ना, ऐसे लोग बहुत हड़बड़ी में काम करते हैं और हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, तो उनका नेचर भी ऐसा रहता है कि बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं। जैसे आप बहुत जल्दबाजी में बाइक लेके कहीं जा रहे हैं, अचानक एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया या आप कहीं फिसल गए। बिल्कुल, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से इनको डर लगता है, रेस्टलेसनेस इनको बहुत ज़्यादा रहती है, बेचैनी इनको बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ऐसे लोगों को ना काफ़ी फियर रहता है
काफ़ी एन्जाइटी रहती है और हर एक एलिमेंट्स में ये एन्जाइटी वगैरह इनको देखी जाती है। तो ऐसे लोगों को एकोनाइट लेना चाहिए 30 पावर में, दिन में 3 बार करके लीजिए, दो दो बूंदे करके, आप देखिए कि आपकी एन्जाइटी काफ़ी हद में रिड्यूस हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से आप सिचुएशन को मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपको बहुत इंस्टेंट शॉक लगाओ, अचानक ये चीज़ हुई है, तो फिर आपको 200 या 1000 पोटेंसी, हायर पोटेंसी में यूज़ करने की ज़रूरत है। एक और बहुत छोटा सा एग्जांपल दोस्तों मैं आपको एंजाइटी का देता हूँ, कब होता है ये, जैसे आप घर पे बैठे हैं, अचानक आपने कोई शॉकिंग न्यूज़ सुन ली, अचानक किसी ने आपको बोल दिया कि भाई घर से थोड़ा ही दूर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, बिल्कुल, या फिर आप घर में बैठे आपको अचानक एक अर्थक्वेक सा महसूस हुआ, पिछले कुछ महीनों पहले ये चीज़ बहुत हुई थी कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे थे, तो अचानक अर्थक्वेक के बाद एक जो फीलिंग होती है, जो घबराहट होने लगती है, उस सिचुएशन में भी एकोनाइट बहुत काम आती है। बिल्कुल, तो एकोनाइट जो है वो सडन या एक्यूट एंजाइटी की बेस्ट मेडिसिन है। अच्छा, इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है और वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर, वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक एल्बम बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों। आर्सेनिक एल्बम के जो लोग होते हैं ना, ये अंदर से बहुत इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर यानी अगर हम इसको हिंदी में बोले तो असुरक्षित, असुरक्षा की भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस असुरक्षा को इनको मैनेज करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को ऑर्डर में रखने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ यानी अपने आसपास की हर चीज़, अपने से जुड़ी हर चीज़, चाहे वो इनका परिवार हो, चाहे वो इनका कैरियर हो, चाहे वो इनके बच्चे हो, चाहे वो इनके माँ बाप हो, चाहे वो इनके सामान हो, चाहे वो इनके कपड़े हो, चाहे वो इनका हेल्थ हो, हर चीज़ इनसे जुड़ी वो बिल्कुल ऑर्डर में होनी चाहिए। वो ऑर्डर में रहती है तो इनके अंदर जो असुरक्षा की भावना है, जो डर की भावना है, वो जो भावना है वो कम रहती है। हाँ, वो कम रहती है। इनको ऐसा लगता है कि सब ठीक है। अगर कोई भी चीज़ इधर से उधर हो गई ना, अगर इनके हाथ में मान लीजिए एक छोटा सा खरोच भी आ गया, तो इनको डर, इनको एंजाइटी हो जाती है। ये एंजाइटी रहती है आर्सेनिक की, बेचैनी वाली एंजाइटी। कोई भी चीज़ इधर से उधर, अगर मान लीजिए अब उनका एक सामान है, वो रूम में कहीं पे पड़ा है, एक जगह पे पड़ा है, अगर वो वहाँ ना रहे तो इनको एंजाइटी हो जाती है, ये कहाँ गया। मतलब अपने से जुड़े किसी भी चीज़ को वो ऑर्डर में रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को ऑर्डर बहुत पसंद होता है, इसीलिए ये हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कुछ भी हो जाता है ना, कुछ भी छोटा से छोटा चीज़, आयुर्वेदिक उपचार लेंगे, होम्योपैथिक उपचार लेंगे, एलोपैथिक उपचार लेंगे, मतलब एट एनी कॉस्ट वो उस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके उनको ठीक करना, यानी उस चीज़ को दोबारा वो ऑर्डर में लाना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को ना घर में पूरा चीज़ व्यवस्थित चाहिए, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इनको एंजाइटी हो जाती है। हेल्थ इनका पूरा अच्छा होना चाहिए, इनका जो कैरियर है वो बहुत अच्छे से चलना चाहिए, टाइम टेबल को लेकर बहुत पंक्चुअल होते हैं। अगर कहीं 11 बजे जाना है तो इनको बेचैनी हो जाती है, तो वो 11 से पहले पहले पहुंच जाते हैं। अगर इनसे कोई मिलने आने वाला है, अगर वो इंसान 5 मिनट लेट हो गया तो इनको घबराहट हो जाती है। कपड़े इनके जो रहते हैं ना, वो एकदम आयरन किए हुए, साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। धूल व मिट्टी अगर इनके शरीर पे पड़ गई तो इनको दिक्कत हो जाती है, ऐसे लोगों को डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो चरित्र होता है ना, ये आर्सेनिक का चरित्र होता है, ये अपनी इनसिक्योरिटी को, असुरक्षा की भावना, क्योंकि इनको चोरी वगैरह का भी बहुत डर लगता है। इनको ऐसा लगता है कि हमारा सामान कोई चोरी कर लेगा, मेरे से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं ना, वो कोई चोरी कर लेगा, इसीलिए भी इनको ऑर्डर पसंद होता है, इसीलिए भी उनको ऑर्डर पसंद था, इसीलिए वो अपनी जो ये जो डर है अंदर, उसको मैनेज करने के लिए, अपनी जो एंजाइटी है उसको मैनेज करने के लिए ये लोग ऑर्डर पसंद करते हैं। बिल्कुल, ये आर्सेनिक का चरित्र होता है। साथ ही साथ इनको बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस भी होती है। बिल्कुल दोस्तों, तो ये जो एंजाइटी होती है ना आर्सेनिक की, इनको फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ डेथ, मतलब क्या, अगर फियर्स में भी हम देखें ना, तो आर्सेनिक वन ऑफ द टॉप रेमेडीज में आती है। इतने तरह के फियर्स इनको होते हैं, तो ऐसे लोगों को आर्सेनिक लेनी चाहिए। आर्सेनिक काफ़ी लोगों ने खाई है कोरोना के पीरियड में, बट इस तरह का चरित्र अगर है तो आर्सेनिक 200 की 2 डोज आप लीजिए और आप देखेंगे मिराकुलस रिजल्ट्स। आप देखेंगे आर्सेनिक से जो आपके अंदर बेचैनी, जो आपके अंदर एंजाइटी थी, वो आप देखेंगे कि जो आपके अंदर जो ऑर्डर की चाहिदा थी, जो व्यवस्थित रहने की जो ये आपकी जो क्या बोलेंगे उसको, कंपल्सिव ओसीडी था, एक ऑब्सेशन था, वो कम हो जाएगा और फिर आपको जो एंजाइटी है वो भी धीरे धीरे
देखिए दोस्त, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात डॉक्टर ने लास्ट में बताई कि ऑर्डर में रहना अच्छी बात है, बट अगर वो ऑब्सेशन के लेवल तक पहुंच जाए तो वो गलत है। बिकॉज उससे क्या है कि आपको परेशानी होती है, चीज़ें जब आप ऑर्डर में नहीं देखेंगे तो आपको एंजाइटी होगी, वो सही नहीं है। बिल्कुल। एक्चुअली दोस्तों, आर्सेनिक का जो चरित्र है ना, उसका निर्माण कहाँ से होता है? बचपन में जिन बच्चों के साथ, जिन बच्चों के माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं ना, टॉयलेट ट्रेनिंग को लेकर और भी कई सारी चीज़ों को लेकर, कि अगर बच्चे ने कहीं पर मान लीजिए सूसू या पॉटी कर दिया तो यहाँ पर क्यों किया, फिर उनको मारते हैं, फिर उनको डांटते हैं, है ना, उनको शर्मिंदगी होती है, फिर उनको बोला जाता है कि बाथरूम में जाओ, सही जगह पर करो, मतलब इसको लेकर बहुत ज़्यादा अगर वो स्ट्रिक्ट रहते हैं तो ऐसे लोगों के जो सोशल और मॉरल स्पिंक्टर्स हैं ना, वो भी टाइट हो जाते हैं। फिर जब वो बड़े होते हैं तो आर्सेनिक का चरित्र का निर्माण होता है। तो एक टिप हमारा ये भी रहेगा कि बच्चों के साथ कभी भी आप स्ट्रिक्ट ना हो, है ना, एक बैलेंस मेंटेन करें, तो नहीं तो अदरवाइज आर्सेनिक का चरित्र निर्माण हो गया ना, तो फिर वो एक बहुत ही उस इंसान के लिए, आप सोचिए कि ऐसा इंसान कैसे जीता होगा, इतनी सारी असुरक्षा को लेकर, इतनी सारी एंजाइटी को लेकर, बहुत मुश्किल है आर्सेनिक का जीवन। तो ऐसे में 200 पावर लीजिए आर्सेनिक का। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एंजाइटी के लिए और वन ऑफ द फाइनेस्ट मेडिसिन इन होम्योपैथी, अर्जेंटम नाइट्रिकम। बिल्कुल दोस्तों, अर्जेंटम नाइट्रिकम का नाम लेते ना एक स्माइल आ जाती है चेहरे पे, क्यों? क्योंकि बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी होती है अर्जेंटम नाइट्रिकम की, है ना, मीठा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग, और बहुत ही, है ना, बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी, बहुत ही अच्छे दिल के, बहुत ही साफ दिल के लोग होते हैं। और इनको, है ना, इनका जो एंजाइटी होता है वो एंटीसिपेटरी एंजाइटी होता है। इसको बहुत अच्छे से समझिए कि एंटीसिपेटरी एंजाइटी क्या होता है। यानी मान लीजिए कि अब एक आपको कहीं जाना है, कल 11 बजे निकलना है, ये क्या है कि एक ऐसी फ्यूचर में एक ऐसी एक्टिविटी है जो कल आपको करना है, लेकिन जो अर्जेंटम वाला बंदा है इसको क्या रहेगा कि कल मुझे 11 बजे जाना है, कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, ट्रेन में कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो, कहीं मैंने ट्रेन मिस कर दिया तो, हाँ कहीं बस छूट गया, ट्रेन तक आप कैसे पहुँचेंगे, आपको कहीं, आप चाहे आप अपनी गाड़ी से जाएं, चाहे आप बस से जाएं, या चाहे आप किसी चीज़ से जाएं, कहीं मिस कर दिया तो, कहीं मेरी नींद नहीं खुली तो, मतलब आप सोचिए कि ऐसे ऐसे इमेजिनेशन उनको आ रहे हैं ना, और सारे नेगेटिव, तो वो ओवर थिंकिंग, एक तो ओवर थिंकिंग है, दूसरा है कि उसकी वजह से उसके अंदर डर पैदा हो रहा है। वो डर जो है ना, वही एंजाइटी है, वही घबराहट है कि मैं कर पाऊंगा, यानी उसको लेकर एक ओवर थिंकिंग और इमेजिनरी फियर। ये इमेजिनेशन ही तो है, ये सच्चाई थोड़ी है कि कल उसको 11 बजे जाना है, लेकिन आज से ही वो सोच के बैठा है, अलग अलग चीज़ें सोच के बैठा है। ये चीज़ कब होती है और कब होती है? जब आपको स्टेज में जाकर कुछ बोलना है, पब्लिक अपीयरेंस होता है, चाहे वो इंटरव्यू हो है, चाहे वो पब्लिक अपीयरेंस हो। अच्छा, अगर कोई सिंगर या, है या फिर आपको अगर वाइवा एग्जाम देना हो, आपके जो ओरल एग्जाम्स स्टूडेंट्स के लिए, ओरल एग्जाम्स में या रिटन एग्जाम्स में भी आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है। बिल्कुल। कोई सिंगर है, उनको अगर गाना गाना है स्टेज पे जाके, तो भी उनके साथ ये एंटीसिपेशन एंजाइटी हो सकती है। बिल्कुल। कहीं पर भी अगर एंटीसिपेशन है, खास करके पब्लिक अपीयरेंस हो गया ना, फिर तो अर्जेंटम नाइट्रिकम का बड़ा बुरा हाल होता है दोस्तों। और फिर इनको, इनका एक प्रॉब्लम क्या होता है, ये सारा जो एंजाइटी है ये जाता है पेट में, और जो इंटेस्टाइन्स हैं वो बिल्कुल ढीला हो जाती हैं, और जो खाना है वो पतले दस्त के रूप में निकलता है। कई लोगों को हम वॉमिटिंग भी देखते हैं। बिल्कुल। तो इसमें कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंजाइटी तो होती ही होती है इनको, साथ ही साथ इनको डायरिया भी हो सकता है, बिल्कुल, वॉमिटिंग भी हो सकती है। बिल्कुल। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनको पब्लिक अपीयरेंस वगैरह करना पड़ता है, सिंगर्स हो गए, इवन टीचर्स हो गए, या ऐसे लोग जिनको लगता है कि हम अर्जेंटम नाइट्रिकम का चरित्र हैं, अच्छा, मीठे की क्रेविंग, बहुत भयंकर मीठे की क्रेविंग होती है, और बंद जगहों में जाने में, भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने में इनको परेशानी होती है, इनको ऐसा डर रहता है कि हम वहाँ पे फंस जाएंगे, है ना, क्लोज्ड स्पेस में जहाँ पे टनल वगैरह है, कैविटीज़ वगैरह है, यहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, सिनेमा हॉल्स में जाने में अवॉइड करते हैं, हाइट्स का इनको फियर रहता है ना, काफ़ी तरह की एंजाइटीज इनमें रहती है। तो इससे आप जो अर्जेंटम नाइट्रिकम से आप खुद को कैसे रिलेट कर पाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप कहीं जाते हैं बाहर,
आपको एक बार भाग के टॉयलेट जरूर जाना पड़ता है। बिल्कुल, ये चीज बहुत लोगों में होती है। बिल्कुल, कि यार कहीं एग्जाम जा रहे एक बार टॉयलेट जाके आ जाता है, या कहीं बाहर जा रहे मीटिंग में जाना है एक बार टॉयलेट जाके आ जाते हैं। ये चीज आप नोटिस करेंगे कि ये सिम्टम जो है बहुत लोगों में पाया जाता है, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे कि आपको अर्जेंटम नाइट्रिकम की शायद जरूरत हो सकती है। तो आप 30 से स्टार्ट करिए अर्जेंटम नाइट्रिकम, 30 आप 2 से 3 दिन लीजिए, सुबह 2 बूंद और शाम को 2 बूंद, और उसके बाद आप ऑब्जर्व करिए चेंजेस को, उसके बाद फिर आप 200 पावर ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है एंजाइटी डिसऑर्डर की कैलिफोस। कैलिफोस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि एक क्लिनिक में बहुत ही यूज होती है, स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो मेंटली बहुत ज़्यादा काम करते हैं। बिल्कुल, ये लोग मेंटली काम करते करते एग्जॉस्ट हो चुके हैं, इतना मेंटल वर्क इन्होंने किया है कि अब और इनसे नहीं होता है काम। कैलिफोस के पेशेंट्स होते हैं वो नर्वस बहुत ज़्यादा होते हैं, नर्वस इतने ज़्यादा होते हैं, नर्वस ड्रेड होता है इनको, इनको लेथार्जी होती है, बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं रहती है, ना मेंटली ना फिजिकली, और साथ ही साथ नाइट ट्रेमर्स, नाइट टेरर्स होते हैं इनको, रात को इनको एक तरह से टेरर्स, डर बहुत लगता है रात को, अचानक सोते सोते नींद टूट गई और डर रहे हैं। इतना ज्यादा ये लोग मेंटली काम कर चुके होते हैं कि इनकी मेमोरी भी धीरे धीरे वीक हो जाती है। और खास करके ऐसे लोगों को ना जब जिम्मेदारी लेनी पड़े तब प्रॉब्लम आ जाती है उनके लिए, एक छोटी सी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी उनको महसूस होती है, वहां पे उनको एंजाइटी वगैरह फील होने लगती है कि हम, क्योंकि एक तरफ तो उनको निभानी है और दूसरी तरफ उनको जो है वो पसंद नहीं है, तो वहाँ पे वो डर लग जाता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा या नहीं, वो जो एंजाइटी है ना वहाँ पे फिर तो इसी कंडीशन को वो लोग डेली जीते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे उनको एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको कैलिफोस की जरूरत है, तो आप कैलिफोस जरूर से लीजिए 200 पोटेंसी में। बिल्कुल, 200 पोटेंसी में 2-2 बूंदे 2 दिन आप लीजिए, और फिर धीरे धीरे आप चेंजेस महसूस, बिल्कुल आप देखेंगे बहुत इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे कैलिफोस जो वो एक्सीलेंट मेडिसिन है कैलिफोस। बिल्कुल, और हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है एंजाइटी की, वो है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा लो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से वो कभी नहीं चाहता कि उस पर लोगों का ध्यान जाए। बिल्कुल, इसकी वजह से उसको एंजाइटी होती है, वो कभी भी उसका वो बचना चाहता है लोगों के ध्यान से, वो बचना लोगों की नजर से वो बचना चाहता है। बिल्कुल दोस्तों, इसीलिए वो क्या करता है ना कि वो समय से पहले जाना चाहता है। अब समय से पहले अगर कोई जाना चाहेगा, जहां पे ये चीज रहेगी ना, एक बाउंडेशन आ जाता है कि मेरे को समय से पहले ही जाना है, वहां एंजाइटी होना लाजमी है, है ना। तो ये इसकी वजह से एक एंजाइटी आ जाता है, क्यों, क्योंकि उसको समय से पहले जाना, जैसे एक स्टूडेंट है मान लीजिए, वो नहीं चाहेगा कभी भी कि मैं क्लास में लेट हो जाऊं या फिर प्रेयर में लेट हो जाऊं, क्योंकि फिर सबका ध्यान जाएगा ना उस पर, तो वहां पे वो हो सकता है कि जेल्सीमियम का बंदा हो। ऐसे लोगों की प्यास जो है बहुत कम रहती है, इनको प्यास बिल्कुल ही कम लगती है। बिल्कुल, साथ ही साथ इन एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है, ऐसा लगता है कि इनकी जो बॉडी के जो मसल्स है ना वो इनका साथ नहीं देते। बिल्कुल, तो अजीब अजीब जगह पे इनको ट्रेम्बलिंग होती है, ट्रेमर्स होते हैं। बिल्कुल, और दोस्तों इसको बोलते हैं सिंपली फड़कना, जैसे बहुत लोगों की आंखें फड़कती है। बिल्कुल, और दोस्तों जैसे जेल्सीमियम में हाइट का फियर भी रहता है, डाउनवर्ड मोशन का भी एंजाइटी रहता है, जैसे मान लीजिए जो मेले में जो वो गोल चक्री रहती है ना, तो उसमें नहीं चढ़ सकते जेल्सीमियम के बंदे, क्योंकि ऊपर से नीचे का जो मोशन है उसमें उनको एंजाइटी रहती है, इसलिए इनको फ्लाइट्स में भी बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर मैं आपको बताता हूँ जेल्सीमियम कैसे पकड़ सकते हैं आप, फ्लाइट में अगर कोई बंदा है और जैसे ही फ्लाइट चलती है ना, वैसे ही अगर वो अपने चेयर को पकड़ ले या अपने आसपास को लोगों को, जैसे अगर या उनके पैंट अगर ऐसे पकड़ ले ना, तो वो इंसान जेल्सीमियम हो सकता है। वो क्या करता है, क्लिंग कर लेता है अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास के फर्नीचर को पकड़ लेता है, क्योंकि उसको डर की वजह से डर जो है वो उसके नर्व्स को इफेक्ट करती है, और नर्व्स वीक हो जाती है, तो वो कंट्रोल चाहिए उसको, एक बार उसको कंट्रोल मिलता है उसके थ्रू, इसीलिए वो जेल्सीमियम का बंदा जो आसपास की चीजों को पकड़ लेता है, और वैसे फिर वो अपने एंजाइटी को वो थोड़ा सा मैनेज करता है। बट अगर वो जेल्सीमियम ले, उसको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी पकड़ने की, उसका जो एंजाइटी है वो दूर हो जाएगा, फिर वो पब्लिक में अच्छे से बोलने लगेगा, एग्जाम वो अच्छे से देने लगेगा, ठीक है, वो कहीं पे अगर उसको जाना रहेगा वो ये नहीं सोचेगा कि लोग मेरे बारे में मतलब क्या सोचेंगे, या नजर अपनी तरफ मेरी तरफ जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको
ये सब सुन के अगर आपको लगता है कि आपको जिल्सिमियम की ज़रूरत है तो आप ज़रूर से जिल्सिमियम लीजिए। 30 पोटेंसी से आप स्टार्ट कीजिए, 2 से 3 दिन आप 30 पोटेंसी लीजिए सुबह शाम दिन में 2 बार, और धीरे धीरे आप चेंजेस महसूस करेंगे। तो दोस्तों आपको अगर बहुत क्लियरली मेडिसिन समझ में आती है तो आप खुद से ले सकते हैं, नहीं तो आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करिए। नंबर हमने दे रखे हैं, एक छोटी सी फीस देकर हम आपको आपके मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे हम, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए थैंक यू।